गिरदिनों सुंदरसी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झंडाखेड़ा निवासी एक व्यक्ति के यहां से करीब 80 लाख रुपए की कीमत का चोरी का माल बरामद किया था, जिसमें अवैध डीजल पेट्रोल सहित वाहन व अन्य सामान पाए गए। रविवार को सुंदरसी थाने में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी जगदीश जावद ने फरियादियों को न्यायिक आदेश से उनका सामान वापस किया। दरअसल 2 जनवरी को पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम झंडाखेड़ा में शराब और चोरी से संबंधित वस्तुओं और पेट्रोल डीजल गैस टंकी आदि का अवैध कारोबार किया जा रहा है। इस पर एसपी के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी बेरछा के नेतृत्व में थाना प्रभारी सुलसलाई, थाना प्रभारी सुंदर सिंह बेरछा, अकोदिया शुजालपुर मंडी की टीमें गठित की गई और बड़ी मात्रा में शराब और चोरी से संबंधित वस्तुओं और पेट्रोल डीजल गैस टंकी अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को तलाशी के दौरान आरोपी दुर्गापुरी गोस्वामी के घर से अवैध शराब 241 लीटर मिले। दुर्गापुरी के घर की तलाशी के दौरान कुल 24 संदिग्ध मोटरसाइकिल, एक महिंद्रा पिकअप, एक छोटा हाथी, 6 ट्रैक्टर, एक कमांडर जीप, 27 टच मोबाइल, 32 कीपैड मोबाइल, 6 टीवी, 12 अंडरवियर वॉल फैन, एक एग्जॉस्ट, 2 छोटे गैस चूल्हे समेत बहुत सारा सामान बरामद किया गया था। फरियादियों को वापस करने जिलाधीश महोदय और पुलिस अधीक्षक द्वारा गंभीर प्रयास किए गए और न्यायिक आदेश से जब्त मशरू का फरियादियों को वापस किया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सुंदर सिंह, निरीक्षक रतनलाल परमार, थाना सुंदर सिंह बल की मुख्य भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक द्वारा अच्छे कार्य करने वाली टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए, हमारे जिले में अपराधों पे नियंत्रण के लिए मैंने पूरे जिले के थाना प्रभारियों को निर्देशित किया हुआ है। उसी कड़ी में हम लोग निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और ये 2 जनवरी को एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना सुंदर सिंह पे कि ग्राम झंडाखेड़ा में एक दुर्गापुरी नाम का व्यक्ति है जो आदतन अपराधी है, पूर्व में भी सजायाफ्ता भी है ये व्यक्ति और इसके खिलाफ काफी अपराध भी पंजीबद्ध है। पुलाय कला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।